आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा आदेशित मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5 के क्रियान्वयन के संबंध में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माह अप्रैल से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों जैसे कि दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। उसी के क्रम में सभी शिक्षकों के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होकर अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी शिक्षकों, ARP, SRG, शिक्षक संकुलों, डाइट मेंटर और डाइट प्राचार्य, BSc, सभी के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उसके विषय में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है कि शैक्षणिक सामग्री प्रेषण की क्या व्यवस्था रहेगी। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसे कि शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री भी प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों के द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दें कि अधिकतर शिक्षक जो विभाग द्वारा सामग्री प्राप्त हो रही है, केवल वही सामग्री अपने बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अब विशेष रूप से आदेश है कि शिक्षक अपने स्तर से भी बच्चों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराएंगे और उस सामग्री को हल करने के लिए भी बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही जो शैक्षिक सामग्री प्रेषित की जाएगी उसके आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर भी शिक्षक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए भी शिक्षक अभिभावकों और बच्चों को निरंतर प्रेरित करते रहें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से भी बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करते रहें। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी के संबंध में बात करें तो प्रत्येक सप्ताह कुछ अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए और उनको प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप के विषय में जागरूक किया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों से संवाद भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्धारित करते हुए अपने विद्यालय की विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत विद्यालय में उपस्थित रहते हुए ही शिक्षक निम्न प्रकार की गतिविधियां करेंगे, जैसे कि जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए इन सभी ऐप के विषय में विस्तार से शिक्षक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी का डेमो देकर उनको अवगत कराएंगे कि क्विज के माध्यम से उनको किस प्रकार से अपने बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न करना है। सभी शिक्षकों के द्वारा अपने फोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्पॉट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाएगा।
अभिभावकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा क्विज के निम्नांकित लिंक्स पर बच्चों का परीक्षण किया जाए। यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं जो कि प्रत्येक शनिवार को उपलब्ध कराए जाते हैं विभाग के द्वारा क्विज के। इन पर भी बच्चों का परीक्षण शिक्षक करें और अभिभावकों को भी सिखाएं कि किस प्रकार से इन लिंक के माध्यम से अपने बच्चों का परीक्षण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेरणा साथी की पहचान कैसे की जाए और उसके क्या कार्य होंगे। इसके विषय में पहले भी आदेश आ चुका है और हमारे काफी विद्यालयों में प्रेरणा साथी बन भी चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकटतम रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल या विद्यालय समुदाय के ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए जिनकी शिक्षा क्षेत्र में रुचि हो तथा जिनके पास खुद का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रेरणा साथी से प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु भी अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी के द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की जाए तथा यह प्रयास किया जाए कि बच्चों के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य किया जाए। प्रेरणा साथी के द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले बच्चों को साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी प्रेरणा साथी यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे, उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के विषय में विभाग से आदेश आए हैं कि COVID-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षक प्रेरणा साथी के सहयोग से मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करेंगे। प्रधानाध्यापक के द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान, ऐसी जगहों पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए और राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों एवं प्रेरणा साथी के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाए तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित कार्यकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाए और ध्यान देने की बात है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों के द्वारा गांव में शिक्षण कार्य करने के पश्चात अर्थात मोहल्ला कक्षा संचालन के उपरांत विद्यालय में पुनः उपस्थित होकर प्रतिदिन के कार्यों की प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाए। विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री जैसे कि पोस्टर्स और दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को भी शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों के द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है या अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। अब बात करते हैं ई मेंटरिंग की। प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में SRG ARP एवं डायट मेंटर के द्वारा ई मेंटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। SRG ARPM डायट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद किया जाएगा ई मेंटरिंग के दौरान और कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाया जाए। सभी SRG ARPM डायट मेंटर के द्वारा क्रमशः जिला परियोजना कार्यालय, ब्लॉक संसाधन के यानी कि SRG जिला परियोजना कार्यालय पर उपस्थित रहेंगे, ARP ब्लॉक संसाधन केंद्र पर और डायट मेंटर जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छोटे छोटे समूहों में प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित कर
ई पाठशाला के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। ऑनलाइन बैठक के पश्चात ई सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में बैठक की प्रगति भी उनके द्वारा अद्यतन की जाएगी। एआरपी, एसआरजी एवं डाइट मेंटर के द्वारा हर 15 दिन पर एआरपी के द्वारा 30, एसआरजी के द्वारा 20 और डाइट मेंटर के द्वारा 10 विद्यालयों की ई मेंटरिंग की जाएगी और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के उपरांत इन्हीं विद्यालयों की पुनः ई मेंटरिंग इनके द्वारा की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक माह प्रत्येक ब्लॉक के सभी विद्यालय ई मेंटरिंग से आच्छादित हों, अर्थात कोई भी विद्यालय छूटने ना पाए। स्थितियां सामान्य होने के उपरांत विद्यालयों का स्थलीय सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाएगा। बात करते हैं शिक्षक की भूमिका की। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त होती रहे, इसके लिए शिक्षक एवं वॉलेंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन वॉलेंटियर से बातचीत करके ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करें और बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंटेंट को समय से बच्चों को उपलब्ध कराएं। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों के कक्षावार या संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के द्वारा बच्चों से या अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। बच्चों के द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करके बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएंगे। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर शिक्षक को वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना शिक्षक, शिक्षा मित्रों के द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में दिनांक वार अंकित की जाए। अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की आउटरीच बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों, सभासद, वार्ड के सदस्यों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। अब हम बात करते हैं क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद, विकासखंड एवं कतिपय शिक्षण संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किए जाएं और प्राचार्य डाइट के द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें की ARP और SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप के डाउनलोड की प्रगति एवं आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा की जाए। इस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, ARP की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों, अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाए।
खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी एआरपी और प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। इन बैठकों में एआरपी के द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाए। इस बैठक में आवश्यकता अनुसार एसआरजी के सदस्यों के द्वारा भी प्रतिभाग किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुँच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा तथा विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन का निरंतर अनुश्रवण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो ये हुई विस्तार से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा हम सभी को आदेशित किया गया है। धन्यवाद।